हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम लोग साबूदाना बनाने वाले हैं। ये आज हम दूसरे तरीके से साबूदाना बनाएंगे, मूंगफली को ग्राइंड करा वाला। तो देखिए, हम मूंगफली को ग्राइंड करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा उसको अपन ने सेक लिया, भून लिया, उसके बाद में हम थोड़ा सा ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करके रेडी रखा है, अब हमने मूंगफली रेडी रख लिया है ग्राइंड करके। अब ग्रीन चिली को भी हम थोड़ा सा ग्राइंड करेंगे, इसका टेस्ट अच्छा आता है, इसके लिए हम थोड़ा सा इसको ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए, हमने ग्राइंड कर लिया है। और आलू को हमने चॉपिंग कर लिया, आलू को हमने काट के रखा है। सबसे पहले हम थोड़ा सा जीरा डालेंगे, उसके बाद में हम मिर्ची नहीं डालेंगे, क्योंकि ये डालेंगे तो थोड़ा जल जाएगा। इसके लिए पहले हम आलू डालेंगे। ये हमने आलू डाल दिया, अब आलू थोड़ा सा डीप फ्राई हो जाएगा। डीप फ्राई होने के बाद में हम मिर्ची और बाकी सब डालेंगे। हाँ देखिए दोस्तों, आलू हो गए थोड़े से, अब हम मिर्ची डालेंगे जो हमने ग्राइंड करके रखा था। अब थोड़ा सा मिर्ची को भी साथ में चलाएंगे, थोड़ा सा हम होने देंगे कि थोड़ा सा वो उसका कलर चेंज हो जाए। ये देखिए, हम कर ही रहे हैं अभी भी, ये हमारा हो रहा है। साथ ही साथ में अब हम नमक डालेंगे इसमें, कि थोड़ा अच्छे से मिक्स हो जाए, नहीं तो बाद में क्या होता है, अलग अलग आलू में टेस्ट में थोड़ा नमक कहीं कहीं हो जाता है, कहीं मिक्स नहीं हो पाता है। इसीलिए थोड़ा सा लाल मिर्च डालेंगे, इससे क्या होता है कलर भी अच्छा आता है और टेस्ट में भी अच्छा लगता है। ऐसे आपके ऊपर है, आपको पसंद है तो आप डालिए, नहीं तो ग्रीन चिली से भी हो जाएगा। फिर हमने साबूदाना डाल चुके हैं, अब साबूदाना डालने के बाद में थोड़ा सा मिक्स करेंगे। देन इसके बाद हम लोग मूँगफली जो हमने ग्राइंड की थी ये डालेंगे, इसलिए क्योंकि क्या होता है मूँगफली पहले लग जाती है, इसलिए पहले हम साबूदाना डालते हैं फिर मूँगफली डालते हैं, जिससे कि बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए और इसका स्वाद जो होता है बहुत ही अच्छा होता आता है, एज़ कम्पेयर टू अपन जो दूसरा बनाते हैं उसके कंपेयर में। ये देखिए, हमारा साबूदाना रेडी हो गया है। आज हमने साबूदाना बनाया है।